हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू लेसन टू आस्किंग सेंटेंस मीन्स वाक्य पूछना सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस कोई भी सेंटेंस कोई भी वाक्य क्वेश्चन की तरह पूछा गया हो तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं ठीक है लाइक यहाँ पे आपको गिवन है वेयर डू यू लिव हाउ आर यू इज़ योर नेम सीमा आर यू गोइंग होम ठीक है देर आर टू टाइप ऑफ सेंटेंसेज दैट आस्क क्वेश्चन ठीक है दो तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए हैं और दो टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस क्वेश्चन होते हैं ठीक है जैसे कि जिस जिनको हम डब्लू एच फैमिली बोलते हैं ठीक है जो डब्ल्यू या एच से स्टार्ट होते हैं मीन्स वेयर वैन वॉट वाई विच ठीक है कब कहाँ कैसे क्यों ठीक है ये आपके वो सेंटेंसेस होते हैं वो आस्किंग क्वेश्चन होते हैं आस्किंग सेंटेंस होते हैं ठीक है दोज डेट नीड्स येस और नो आंसर ठीक है और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर में हमें सिर्फ येस और नो चाहिए ओ, मतलब चाहिए होता है ठीक है येस और नो में लाइक यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है इज़ योर नेम सीमा तो अगर उसका नेम सीमा है तो वो यस yes कर देगी आंसर अगर नहीं है तो नो ठीक है आर यू गोइंग होम क्या तुम घर जा रहे हो येस और नो में इसका आंसर होगा ठीक है वेयर डू यू लिव तो आपको इसका पूरा सेंटेंस बताना होगा ठीक है आई लिव इन जहाँ भी आप रहते होंगे ठीक है हाउ आर यू आप कैसे हैं मीन्स आपको फिर इसका पूरा सेंटेंस में आंसर देना होगा कि आई एम फाइन बट इन क्वेश्चन में आप सिर्फ येस और नो में आंसर करेंगे ठीक है तो आपके दो टाइप के सेंटेंस uh, क्वेश्चन होते हैं ठीक है थीके? एक तो डब्ल्यू एस से जो स्टार्ट होते हो या एच से स्टार्ट होते हो ठीक है और दूसरा जिनके क्वेश्चन के आंसर में हमें सिर्फ यस और नो करना हो ठीक है और इसको हम इंटारोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं ठीक है